हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के स्टूडियो में। और आज के टॉपिक में हम देखेंगे ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर, ठीक है। उसके बाद ध्वनि तरंगों के गुण, ध्वनि का परावर्तन जिसके अंतर्गत प्रतिध्वनि, अनुरणन और ध्वनि का अपवर्तन, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि रात्रि के समय ध्वनि दूर तक सुनाई देती है और दिन के समय ध्वनि ज्यादा दूर तक सुनाई नहीं देती, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज उन प्रश्नों को हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति परिसर होती है, ठीक, आवृत्ति का जो परास होता है उसको हमने तीन भागों में बांटा है, ठीक है। उसको तीन भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं अवश्रव्य, इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स, अवश्रव्य तरंग, इंफ्रासोनिक वेव। दूसरे को कहते हैं श्रव्य, या फिर ध्वनि तरंग। श्रव्य तरंगों को ध्वनि तरंग कहा जाता है, ऑडिबल वेव्स। और उसके बाद तीसरे को कहते हैं हम पराश्रव्य, ठीक है, सुपरसोनिक वेव्स। अब ध्यान देंगे तीनों तरंगों की आवृत्ति के अनुसार बांटा गया है, ठीक है। तीनों का आवृत्ति अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर 20 हर्ज से कम, 20 हर्ज से कम की आवृत्ति को हम कौन सा तरंग कहते हैं, तो अवश्रव्य ध्वनि तरंग या अवश्रव्य तरंग। उसको हम ध्वनि तरंग नहीं कह सकते हैं, उसे हम कहेंगे अवश्रव्य तरंग, क्योंकि ध्वनि उसे कहा जाता है जिसे सुना जा सके, मानव द्वारा जिसे महसूस किया जा सकता है, सुना जा सकता है, उसको ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। पर किंतु 20 हर्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनियां होंगी, मतलब तरंग होंगे, उन्हें सुना नहीं जा सकता है, अतः उसे ध्वनि नहीं कहा जाता है, ठीक है। उन्हें हम तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग। अवश्रव्य मतलब कि सुना नहीं जा सकने वाला तरंग है, कितना, 20 हर्ज से कम। उसके बाद श्रव्य तरंग। श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति का परिसर है, परास है, वो है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज। इसको इस तरह से भी लिख देता है 20 से 20 किलो हर्ज, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन में ये ना दे करके ये दे देता है, तो आपको लगेगा अरे क्या, तो किलो मतलब हजार होता है, तो 20,000 हो गया ना। चलिए, तो इस तरह से इन सब के बारे में विशेष रूप से चर्चा भी हम करेंगे। उसके बाद एक श्रव्य ध्वनि तरंग, तो 20,000 हर्ज से अधिक के तरंगों को क्या कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं, ठीक है। और इसके बहुत सारे यूज है, यूज के बारे में हम बात करेंगे, और वहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आपने एक यंत्र का नाम सुना होगा सोनार यंत्र, वो भी इसी पर कार्य करता है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों पर, तो उसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। पहले समझते हैं अवश्रव्य तरंग। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, मतलब कि कहीं किसी स्रोत का कंपन प्रति सेकेंड या दोलन प्रति सेकेंड 20 बार से कम है, ठीक, तो उसे हम कहेंगे अवश्रव्य ध्वनि तरंग। इन तरंगों को कुछ विशेष जंतु ही सुन सकते हैं, जैसे बकरी, खरगोश, कुत्ते, इन लोगों के, मतलब इन जंतुओं के द्वारा यह सुनने योग्य होता है, ठीक है, किंतु मनुष्य के द्वारा यह सुनने योग्य नहीं है। आपको बता दें कि भूकंप में जो तरंग उत्पन्न होती है, भूकंप के द्वारा जो तरंग उत्पन्न होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो वह अवश्रव्य तरंग होता है। कैसा तरंग होता है? अवश्रव्य तरंग, ठीक है, किंतु उसका आयाम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है पिछली कक्षा में, मैंने बताया था कि स्रोत का आकार जितना बड़ा होगा, स्रोत मतलब जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है उस स्रोत का आकार जितना बड़ा होगा आयाम उतना अधिक होता है, ठीक है, आयाम उतना अधिक होता है, और आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता उतनी अधिक होती है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कि 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनियों को सुन कौन सकता है, तो कुछ जंतु, खरगोश, बकरी या कुत्ते, ठीक है, चिंपांजी, बंदर, ये सब,
ठीक है। अगला श्रव्य, श्रव्य ध्वनि तरंगों को मनुष्य के द्वारा सुना जाता है, श्रव्य ध्वनि तरंगों को मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है, ठीक है। किंतु यहाँ पर एक बात और आपको हम बता दें कि मनुष्य के द्वारा सुने जा सकने वाली जो ध्वनि की आवृत्ति होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। और उसमें अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो नवजात शिशु होता है वह कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है, ध्यान देंगे नवजात शिशुओं द्वारा कितना हर्ट्ज की ध्वनि को सुना जा सकता है, तो उसके द्वारा 20 से 25,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुना जा सकता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखें, जब नवजात शिशु कहेगा तो उसकी आवृत्ति जो है वो श्रव्यता आवृत्ति बढ़ जाती है, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। आगे पराश्रव्य ध्वनि तरंग, और यहां पर विशेष चर्चा हम करेंगे पराश्रव्य ध्वनि तरंगों पर, ठीक है। तो चलिए, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति बता दिया गया कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है। और इसका उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है, इसका उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है, और उन क्षेत्रों को हम अभी लिखते हैं। तो चलिए चलिए, ये कुछ विशेष उपयोग हमने लिखे हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के, और इसको मैं इतनी अच्छे तरीके समझाऊंगा जैसा आपने आज तक नहीं समझा होगा, किताबों में इस तरह से नहीं समझाया गया। तो चलिए देखिए, सबसे पहला है संकेत भेजने में। जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे होती है उनके तरंग दैर्ध्य छोटे होते हैं, उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, छोटा होता है। याद रखेंगे कि आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, लगभग 50,000 हर्ट्ज भी हो सकती है या उससे ज्यादा भी हो सकती है, 20,000 से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की। तो उसकी आवृत्ति अधिक होती है और तरंग दैर्ध्य कम होता है, ठीक है। इस कारण से इन्हें छोटे रेखा के रूप में या बीम के रूप में दूर तक भेजा जा सकता है, दूर तक भेजा जा सकता है। अतः संकेत भेजने में इसका उपयोग किया जाता है, पराश्रव्य ध्वनि का सबसे पहला उपयोग संकेत भेजने में। उसके बाद सोनार यंत्र, यह एक विशेष यंत्र है, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे अभी, पहले इनको समझते हैं। कीमती कपड़ों की सफाई में, जो महंगे महंगे कोट होते हैं या जो महंगे कपड़े होते हैं उनकी सफाई करने के लिए ध्वनि तरंगों से झटका दिया जाता है उस पर, ठीक है। उसके जो भी गंदे होते हैं उसमें लगे हुए झड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो कीमती कपड़ों की धुलाई करने में या उसे साफ करने में, घड़ी के पुर्जे बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, जो महंगी घड़ियां होती है उसके पुर्जों को साफ करने के लिए क्या होता है, तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। वायुयान के जो यंत्र होते हैं या वायुयान के भीतरी भागों की सफाई करने में भी किसका उपयोग किया जाता है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चिमनियों से काली हटाने में, जो बड़े बड़े कल कारखाने होते हैं उनकी चिमनियों में, मतलब आप जानते हैं चिमनी से धुएं निकलते हैं, तो धुएं के कण जो है काली के रूप में बैठ जाते हैं, तो उसे हटाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का। इसमें बहुत सारी ऊर्जा होती है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों में काफी ऊर्जा होती है, ठीक है। चलिए अब दूध को जीवाणुरहित बनाने में, दूध के अंदर के जीवाणुओं को नष्ट करने में भी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद गठिया के उपचार में, जैसे किसी को गठिया रोग है तो गठिया रोग के उपचार करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसका पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का, ठीक है। गठिया रोग क्यों होता है, तो जोड़ों में जहां पर भी गठिया रोग का मतलब रोग के लक्षण दिखते हैं, जोड़ों में दर्द, तो जोड़ों में क्या जमा हो जाता है, तो यूरिक एसिड जमा हो जाता है, जोड़ों में रक्त के साथ यूरिक एसिड जाकर के जोड़ों में हड्डियों के जोड़ पर जमा हो जाता है, जिसको हम जिसका खूब ज्यादा दर्द होता है, और उस रोग को हम कहते हैं गठिया रोग ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि गठिया रोग का क्या कारण है या गठिया रोग किसके जमाव के कारण होता है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूरिक अम्ल के कारण। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। साथ ही मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, ठीक है, कि मस्तिष्क में किस स्थान पर ट्यूमर है इसका पता लगाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, तो पराश्रव्य ध्वनि तरंग। साथ ही कुछ और उपयोग है, आप जान लें कि कोई पुल है, ठीक, अब पुल की जांच करने के लिए कि अंदर कहीं दरार तो नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, या कोई लोहे का बड़ा सा सामान है वो अंदर से कहीं दरार नहीं पड़ा हुआ है, कहीं टूटा नहीं है, ऊपर से पेंट किया हुआ है अंदर टूटा हुआ हो, इस सब बातों का पता लगाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को भेज करके उसका पता लगाया जाता है। साथ ही अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, जिसको सोनोग्राफी भी कहते हैं, और आपने नाम सुना होगा अल्ट्रासाउंड, है ना, मतलब कि
सामान्य भाषा में हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड करवा रहा है, जबकि उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए उसके बारे में यहां देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक स्रोत रखा जाता है और बेड पे मरीज सोया हुआ है, सपोज करते हैं इस तरह से सोया हुआ है मरीज, ठीक है। अब यहां से जो तरंगी आती है, ठीक है, वो पराश्रव्य तरंगी होती है और इसकी आवृत्ति लगभग 50,000 हर्ज होती है, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब अल्ट्रासाउंड जो हम कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करने के लिए आवृत्ति कितनी रखी जाती है, लगभग 50,000 हर्ज, ठीक है। तो 50,000 हर्ज की आवृत्ति रखी जाती है और यह जो ध्वनि तरंग है वो शरीर के अंदर जाता है, ठीक है, और अंगों की एक निश्चित संरचना का जो 3D संरचना है उसको कंप्यूटर पर दिखाता है, ठीक है, और कंप्यूटर उसको मतलब कि माप लेता है, मेजरमेंट अच्छी तरह से कर लेता है और बता देता है, और लीवर का अगर किया गया है तो लीवर बड़ा हुआ है या छोटा है या क्या परेशानी है वहां पर, या किसी भी अंग में कहीं पर पत्थर जमा है या क्या है, इन सब बातों का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है या सोनोग्राफी किया जाता है। और वहां पर हम किस ध्वनि तरंग का उपयोग करते हैं, तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड करने में भी यह उपयोग होता है। उसके बाद आप जान लें कुछ जंतु है, उसे पहले सुनार यंत्र लेते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा फास्ट हो रहे हैं तो आप धीरे धीरे बातों को समझ लें। अब सोनार यंत्र पर आते हैं, सोनार, ठीक है, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, इस तरह से साउंड नेविगेशन एंड साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। साउंड के द्वारा किसी चीज का पता लगाना, ठीक है, नेविगेट करना, रेंज का पता लगाना, इस यंत्र का कार्य होता है, ठीक है। तो वहां पर भी सोनार यंत्र में भी किसका उपयोग किया जाता है, किस ध्वनि तरंगों का, तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का। आप इसकी संरचना समझिए, जैसे सोनार यंत्र द्वारा समुद्र की गहराई का पता लगाया जा सकता है। कार्य क्या होते हैं ये अभी हम आपको बताएंगे। मान लेते हैं कि यह समुद्र है, क्या है, समुद्र है और यहाँ पर जल है। अब यहाँ पर जो नाव होता है सोनार यंत्र युग, एक होता है जो ध्वनि को प्रेषित करता है, ठीक है, और एक यंत्र ध्वनि को ऑब्जर्व करता है, इन तरंगों को। फिर ये तरंग गए यहाँ टकराए, ठीक है, और फिर वापस गए ऑब्जर्वर के पास, और यहाँ पर जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इन चीजों को देख, मतलब कंप्यूटर इस तरह से बनाए हुए होते हैं कि वो इन बातों की गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या क्या पता लगाया जा सकता है, इस बारे में बात करते हैं, इसके कार्य क्या क्या है। तो अगर कोई जहाज डूब गया है कहीं पर, उसको ढूंढने में तो ये तरंग जाएंगे और यहाँ का एक संरचना लाएंगे, ठीक है, और उस संरचना को मैच किया जाए कंप्यूटर द्वारा और तब पता किया जाए कि हाँ वहां पर जहाज है या नहीं, जो जहाजों का मलबा है वो वहां पर गिरा हुआ है या नहीं, तो इस बात का पता लगाया जाता है। तो डूबे हुए जहाज के मलबे का पता लगाना, ठीक है, किसके द्वारा, सोनार यंत्र द्वारा। दूसरा कार्य क्या होता है कि यहां पर मान लेते हैं मछली क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, मछली क्षेत्र, मान लेते हैं किसी के द्वारा मछली क्षेत्र ढूंढा जा रहा है कि कहां पर ज्यादा मात्रा में मछली है, ठीक, तो उसका एक पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, सोनार यंत्र का। तो मछली क्षेत्र का पता लगाने में मोतियों का पता लगाने में कि कहां पर ज्यादा सीप होंगे, मोती होंगे, इन चीजों का पता लगाने के लिए भी सोनार यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो मोतियों का पता लगाने में। उसके बाद इसका समुद्र की गहराई मापने में भी पता मतलब इसका उपयोग किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, तो सोनार यंत्र का उपयोग किया जा सकता है। सपोज कीजिए कि यहां से तरंग का स्पीड पता है हमको कि कितना स्पीड से गया और फिर कितना स्पीड से यहां आया, तो चाल पता है
और कितना समय जा करके टकरा के आने में कितना समय लगा, समय पता है तो चाल और समय पता होगा तो दूरी पता चल जाएगी ना, तो गहराई निकल जाएगा इससे। तो इसी अर्थ से समुद्र की गहराई भी पता की जाती है, ठीक है। वैसे समुद्र की गहराई फैदोमीटर से भी मापी जाती है, किससे, फैदोमीटर एक यंत्र होता है जिससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो इन चीजों की चर्चा जो है हमने कर दी है, आप इस सब चीज को नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, इन सब चीजों पर हमने चर्चा कर ली है, अब बच रहा है ध्वनि के गुण, ठीक है। तो चलिए ध्वनि के गुणों में हम ध्वनि के परावर्तन के गुण, ठीक है, देखते हैं, तब तक हम मिटाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ध्वनि के परावर्तन पर, ठीक है। तो ध्वनि का परावर्तन जो है बिल्कुल प्रकाश के परावर्तन की तरह है कि किसी ठोस सतह से जब मान लेते हैं यहां ध्वनि स्रोत, ठीक है, ध्वनि स्रोत जब किसी सतह से टकराती है तो पुनः वापस लौट जाती है। यहां स्रोता है तो स्रोता को सुनाई देगा, ठीक है, यहां से। और ये मान लेते हैं ये अभिलंब है, क्या है, अभिलंब। तो यहां हम ध्यान देंगे कि बिल्कुल प्रकाश के परावर्तन की तरह यहां भी क्या है, दो, मतलब कि ध्वनि के परावर्तन के भी दो नियम होते हैं, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं ये क्या हो रहा है, आपतित ध्वनि, ये परावर्तित ध्वनि। इसको क्या कहेंगे हम, आपतित ध्वनि तरंग, और ये क्या है, परावर्तित ध्वनि तरंग, ठीक है। और इन दोनों के बीच कोण भी बनेगा, ठीक है, ये आपतन कोण बनेगा और ये परावर्तन कोण बनेगा, और ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और आपतन, आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि और उनके मध्य जो अभिलंब है वो क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। तो ये बिल्कुल क्या है, प्रकाश के परावर्तन की तरह ही नियम है, तो इस पर से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं आपको। चलिए आगे देखते हैं, अब देखिए ध्वनि का परावर्तन जब होता है कि ध्वनि किसी सतह से टकराया, सपोज करते हैं ध्वनि यहां से गया और इस सतह से टकरा करके पुनः वापस आएगा, ठीक है। तो एक चीज समझिए कि ध्वनि हमारे कानों में कितने देर तक रहती है, तो ध्वनि हमारे कानों में 1/10 सेकंड तक रहती है, ठीक है, मतलब हमारे सुनने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा होने में 1/10 सेकंड लगता है, क्या लगता है, 1/10 सेकंड, ठीक है। जैसे किसी ने बोला, मैंने बोला, आपने उस बात को सुना और उस चीज को सुनते हुए आपने किसी और दूसरे बात को नहीं सुना, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने जो बोला वह आवाज क्या हो रहा है, 1/10 सेकंड तक उसकी प्रक्रिया हो रही है, आपके दिमाग उसको सुन रहा है, तो एक टाइम में दिमाग दो काम नहीं करता है, ठीक है, एक बार में आप दो ध्वनियों को नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 1/10 सेकंड तक, कहीं कहीं किताबों में आपको 1/15 भी दे देगा, 1/11 भी दे देगा, ठीक है। तो इससे घबराने की बात नहीं, आप 1/10 को समझ करके मानिए कि 1/10 होता है, ठीक। तो अगर मान लेते हैं यहां से हम बोलते हैं, यहां से बोलने वाला व्यक्ति है, तो यहां से हमने बोला, यहां टकराया वापस आया, तो वापस आया, मैंने बोला दीवार से टकराया वापस आया, लेकिन वह वापस आया हमारे कानों तक, लेकिन उतना देर तक हमारे कान में जो मूल ध्वनि थी वही रह गई, जो परावर्तित होकर के आई उसको अंदर जाने का, मतलब कि अंदर गया भी लेकिन उसको सुनने का मौका ही नहीं मिला हमें, ठीक है, क्योंकि 1/10 सेकंड तक तो पुरानी पिछली ध्वनि ही थी। तो इस तरह से प्रतिध्वनि जो होता है, आपको हम प्रतिध्वनि के बारे में बात करते हैं, प्रतिध्वनि क्या होता है, इको क्या होता है, तो ध्वनि का किसी सतह से टकरा करके, पुनः सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। ठीक है, ध्वनि का किसी सतह से टकरा करके पुनः सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। ठीक है, मैंने बोला यहां से टकराया आया, तो लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वही आवाज तो बहुत देर, मतलब 1/10 सेकंड तक रहेगी, तो वो तो सुनाई देगी नहीं। तो इस कारण से हमें नजदीक से जो टकराती है ध्वनियां वह सुनाई नहीं देती है। ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि एक इतनी दूरी हो कि यहां से हम बोले, ठीक है, और ध्वनि जाए और फिर आए वापस, और इतना देर में 1/10 सेकंड खत्म हो जाए, तब तो यह ध्वनि भी सुनाई दे देगी ना।
ठीक है, तब क्या होगा, वह टकरा करके आने वाली भी ध्वनि सुनाई दे देगी ना, तो टकरा करके जब पुनः सुनाई देगी तब हम उसको कहते हैं क्या, प्रतिध्वनि। इसके लिए दूरी कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए दूरी होनी चाहिए लगभग 17 मीटर। कितना? 17 मीटर। किताबों में आपको 17.2 मीटर भी दिया हुआ रहेगा, 17.2 मीटर भी दिया हुआ रहेगा, 15 मीटर भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन सही आंसर क्या होगा आपका, 17 मीटर लगभग, या 17.2 मीटर। ठीक है, तो आपसे यह पूछा जाता है प्रश्न कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए जो ठोस सतह होगा वो कितनी दूरी पर होना चाहिए, तो कम से कम 17 मीटर पर। कम से कम कितना? 17 मीटर पर। मैं ये कह रहा हूं कम से कम 17 मीटर, उससे ज्यादा दूरी भी रहेगी फिर भी सुनाई देगा। जैसे पहाड़ों पर आप जाते हैं और आगे बड़ा सा पहाड़ है और वो 17 मीटर से भी ज्यादा दूरी पर है, ठीक 50 मीटर पर है, और इधर से आप चिल्लाएंगे तो उधर से फिर आवाज आती है ना, तो ऐसा क्यों होता है, तो ये प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिवाइब्रेशन की, मतलब कि अनुरणन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, अनुरणन। ये तो प्रतिध्वनि थी, प्रतिध्वनि से रिलेटेड बस एक ही पॉइंट बनता है, आप इसे नोट करेंगे। उसके बाद अगला है अनुरणन, अनुरणन की बात करें तो अनुरणन रिवाइब्रेशन में क्या होता है कि किसी बड़े से हॉल में, किसी बड़े से हॉल में जब ध्वनि बार बार किसी सतह से टकराती है, जब ध्वनि बार बार किसी सतह से टकराती है, मान लेते हैं कि ये स्रोत है बोल, मतलब यहां से बोला जा रहा है, और बार बार सतहों से टकराएगी ध्वनि, ठीक है, और बार बार सुनाई देगी, ध्वनि जब टकराएगी तो बार बार सुनाई देगी, एक ही ध्वनि बार बार सुनाई देती है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवाइब्रेशन कहते हैं, अनुरणन कहते हैं। ऐसा बड़े बड़े हॉलों में होता है, बड़े बड़े हॉलों में होता है। अनुरणन से या रिवाइब्रेशन से बचने के लिए ही जो बड़े बड़े हॉल होते हैं उनके उसमें ज्यादा पर्दे लगाए जाते हैं, क्या लगाए जाते हैं, पर्दे लगाए जाते हैं, ठीक है, फोम लगाए जाते हैं, या दीवारों पर क्या लगाया जाता है, फोम। वहां की जो कुर्सियां होती है, ठीक है, वो मतलब कि गद्देदार होते हैं, क्यों, क्योंकि ध्वनि का जब टकराएगा तो ठोस सतह से परावर्तित होगी, लेकिन अगर सतह मुलायम होगा तो क्या होगा, परावर्तित ध्वनि नहीं होगी, या पर्दे से ध्वनि परावर्तित नहीं होती है, ठीक है, तो ये अनुरणन से बचाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम ध्वनि और मानव कान से रिलेटेड पॉइंट्स को देखेंगे कि मानव कान किस तरह से कार्य करता है और मानव कान में कौन कौन सी संरचनाएं होती है, कौन कौन सी हड्डियां होती है, उनका क्या कार्य होता है, साथ ही मानव कान हमारे शरीर को संतुलित रखने में कैसे भूमिका निभाता है, इन बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।